जय श्री बालाजी महाराज, आप दीपक में साक्षात हनुमान जी के दर्शन कर रहे हो। नवरात्रों में हनुमान जी भी बहुत ज़्यादा दर्शन देते हैं। जहाँ माँ की आराधना होती है वहाँ पर हनुमान जी आते हैं, और आप सामने आकृति देख सकते हो कितना सुंदर हनुमान जी का मुख बना हुआ है। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपके भी दीपक में अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। ये सिर्फ आपकी श्रद्धा पर, भाव पर ही होता है। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती है आपको देवताओं के दीपक में साक्षात दर्शन हो सकते हैं। ये देखो कैसे बहुत सुंदर आभा के साथ एक बिल्कुल सुंदर ऑरेंज प्रकाश में हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं। हे बालाजी महाराज, सब पर कृपा करें, सभी को आप दर्शन प्रदान करें। नवरात्रों में इनके दर्शन, यहाँ पर आप माता रानी के दर्शन कीजिए। सुंदर सुंदर आँखें बनी हुई हैं और माँ सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। माता रानी की ऐसी सुंदर महिमा, माँ की ज्योत पर आँखें बनना बहुत शुभ होता है। अगर आपके दीपक पर आँखें बन गई हैं तो इसका मतलब माँ आपसे बहुत खुश हो गई हैं। माँ के 51 शक्तिपीठ है और उनमें अलग अलग जो उनके रूप होते हैं वो आते हैं। सुंदर नैन बनना बहुत उत्तम माना जाता है। अगर सुंदर नैन बनते हैं माता रानी का, इसका अर्थ है कि आप में जो भक्ति भाव है वो बहुत कार्य कर रहा है और माता रानी बहुत खुश है। जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं आपके जीवन में अलग अलग प्रभाव होते हैं। सामने आप जो आकृति देखो, अगर आपकी ज्योत पर ऐसी आकृति बन रही है इसका मतलब आपकी सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। आप सातवें चक्कर को जागृत कभी भी आपका हो सकता है। सातवां चक्कर जब हमारा जागृत होता है उस टाइम हमारे अनुभव बहुत बढ़ जाते हैं। हमें देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, हमें फूलों के बगीचे के दर्शन होते हैं, हमें देव दर्शन होते हैं, हमें अलग अलग लोगों के दर्शन होते हैं, हमें बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं। सातवें चक्कर के बाद आपको काफ़ी ऐसे अनुभव होते हैं कि आप फ्यूचर देख सकते हैं, पास्ट देख सकते हैं। तो जब ऐसी आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं तो आप सातवें चक्कर को पार करने वाले होते हो। पर जब आपका सातवां चक्कर जागृत हो रहा है तो उस टाइम कुछ सावधानियां जरूरी करनी पड़ती हैं। अगर आप इस समय कोई भी किसी के बारे में श्राप देते हो तो उससे आपका सेवन जो चक्कर है उसको जागृत होने में समय अवधि बढ़ जाती है। दीपक की सुंदर सुंदर जैसी ऐसी आकृतियां बननी शुरू हो जाती हैं, बहुत आपके जीवन में प्रभाव शुरू हो जाता है। आपके सातों चक्कर जागृत होने के बाद आपकी कुंडलनी शक्ति सर्पनी उठ खड़ी होती है, जो आपके सबसे रीढ़ के हड्डी निचले भाग से उठकर ऊपर तक आएगी। पर आपने अगर कुछ गलतियां कर दी, सावधान आप नहीं रहे तो उसमें फिर वही समय अधिक बढ़ जाता है। सावधानियां आपने जब साधना काल में आप होते हो तो भगवान के प्रति ही भाव रखने चाहिए। ज़्यादा हमें किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं किसी के पाप बोलने से पाप हम ग्रहण कर लेते हैं, किसी का पुण्य बोलने से पुण्य ग्रहण कर लेते हैं। जब आप पर ये भगवान की कृपा हो रही होती है तो आपके कंठ में सरस्वती निवास कर जाती है। इसलिए मौन धारण करना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए, भजन करने चाहिए। अगर आपको भजन सुनते वक्त कोई भी तरंग आ रही है, नाचने की, कूदने की, रोने की, पेशी की, कुछ भी हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, चीटियां चल रही है, जो हो रहा है उसको होने दो और अपने आप को भगवान में लीन कर दो। ये सुंदर सुंदर आकृतियाँ बता रही हैं कि भगवान तो आपके साथ है,
माँ भगवती आपके साथ है, माँ भगवती दर्शन दे रही है, हनुमान जी उनके साथ आए हैं। आपका ये सुनहरा समय है, उसको आप प्रयोग करें। जितना हो सके तो मौन रखना शुरू करें। जितना मौन रखेंगे आपके सारे के सारे चक्र जल्दी एक्टिव होकर सर्पणी उठेगी और आपको ज्ञान प्रदान होगा। जो जीवन का रहस्य आप जानना चाहते हैं, भगवान के दर्शन होने शुरू होंगे। ऐसी सुंदर आकृतियाँ कहीं नहीं देख पाओगे, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बाबा के चैनल पर हैं। बोलो जय श्री राम।